दोस्तों नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको समय समय पे अपडेट देते रहता हूं एसबीआई का, तो यहां पे जैसा कि बीते कुछ दिन पहले योनो लाइट एसबीआई में ये अपडेट लाया गया था, जिसमें कि जब तक आप जिस हैंडसेट में योनो लाइट एसबीआई को यूज़ करना चाहते हैं उसी हैंडसेट में आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, यानी कि जो खाते से लिंक है मोबाइल नंबर, वो आपके फ़ोन में होना चाहिए, तभी आप योनो लाइट एसबीआई को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो है एसबीआई जो है समय समय पे जो है अपने ग्राहकों को जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये अपडेट लाते रहता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से अब योनो एसबीआई में, जी हाँ, अब योनो एसबीआई में जो है आप बिना सिम का लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एसबीआई एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको बहुत ही जल्द ये अपडेट देखने को मिलेगा। जब तक आप सिम वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप योनो एसबीआई को, जी हाँ, योनो एसबीआई को यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही बड़ी खबर है एसबीआई की तरफ से। तो दोस्तों अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन एसबीआई जो है अपने सिक्योरिटी के लिए ये अपडेट लाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत धोखाधड़ी होता है, तो इसी कारण से यहाँ पर जो है ये अपडेट लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आप लोग जो है क्लियर रूप में समझ जाइए कि अगर आपको योनो एसबीआई यूज़ करना चाहते हैं, जिस हैंडसेट में आप यूज़ करना चाहते हैं उस हैंडसेट में आपको जो है मोबाइल नंबर, यानी कि जो रजिस्टर आपका मोबाइल नंबर है वो लगा रहना चाहिए, तभी आप जो है यूज कर पाएंगे। हालांकि ये भी अपडेट दिया गया है, अगर यहाँ पे वो फंक्शन आता है तो वो मैं आपको वीडियो दूंगा कि कैसे यहाँ पे आपको सिम बेसिस पे लॉगिन करना है योनो एसबीआई में। तो दोस्तों मैं आपको समय समय पे अपडेट देता रहता हूँ, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।